नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों आज हमारे किचन में बहुत ही खास रेसिपी बनने वाली है, तो चलिए किचन में बताऊंगी कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए हमें धनिया और पुदीने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं चलती हूँ पहले पुदीना और हरा धनिया ले लेती हूँ। यहाँ से हम पुदीना का देखिए पत्ता ले लिए हैं, ये जो ऊपर का है तो इतना काफ़ी है। दोस्तों चलते हैं, इन सभी को अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं। दोस्तों आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने सभी सामान को इकट्ठा कर लिया है। चलिए एक नज़र इसे देख लेते हैं कि आज के सामान में हम क्या क्या लिए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने हरा धनिया और हरा पुदीना लिया है जिसे हम अच्छे से धुल लिए हैं, और यहाँ पर सोयाबीन लिए हैं जिसे हम पानी में भिगो कर रखे हैं, और यहाँ पर हम लिए हैं ये पनीर रहा, और यहाँ पर बासमती चावल है, और यहाँ पे है अदरक लहसुन और हरा मिर्च है, और यहाँ पे बीन्स है, सेम है, और एक नींबू है, गाजर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, और एक आलू लिए हैं जिसे हम काट लिए हैं, और टमाटर है, प्याज है, और यहाँ पर हम लिए हैं देसी घी। तो आज की रेसिपी हम देसी घी में बनाएंगे दोस्तों। लाजवाब रेसिपी है, खाते ही देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, खाने की तो बात ही छोड़िए दोस्तों। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन सभी सब्जियों को काट लेते हैं। सब्जी को हमें ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, इसे हम थोड़ा बड़े टुकड़े में ही काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी सब्जियों को हम अच्छे से काट कर तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है चूल्हे में आग जलाने की, तो यहाँ पे देखिए हम चूल्हे में डाल रहे हैं ईंधन, और ईंधन पूरा हमारा चल गया है चूल्हे में। अब चलिए हम माचिस को जलाते हैं। चूल्हे में आग को हम जला दिए हैं, अब चलिए चूल्हे पर रखते हैं कढ़ाई। तो अब हम इसमें डाल देते हैं देसी घी। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो घी अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें सोयाबीन को डालकर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसको हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फूल कर कितना बड़ा बड़ा हो गया। सोयाबीन को हम अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं एक बर्तन में। अब हम इसमें पनीर को डालकर फ्राई कर देते हैं। आलू को भी फ्राई कर लिए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं। अब हम इसमें गाजर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हम सब्जी फ्राई कर रहे हैं, और इधर हमारी छोटी आ गई, और देखिए मेकअप करवा के आई है। देखा छोटी, वाह, जरा इनका मेकअप देखिए तो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारी छोटी कैसा मेकअप करती है और मेकअप में कैसी लगती है, आप लोग सुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी सब्जी को हम फ्राई कर लिए हैं। इन सभी सब्जियों को हम निकाल देते हैं इसी बर्तन में जिसमें कि हम सब्जी फ्राई करके निकाले हुए हैं। और इसमें देखिए देसी घी अभी बचा हुआ है, तो बस इसी में हम तड़का लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए सब्जियाँ रह गई हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें हम तेज़पत्ता डालते हैं, और एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, दो लौंग है, यहाँ पे दालचीनी है, यहाँ पे काली मिर्च है। सभी को हम
हल्का सा लाल होने देते हैं। हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। तो ये देखिए जीरा हमारा चटकने लगा है। आप प्याज को थोड़ा बारीक काट सकते हैं, लेकिन मैं चले गई थी बाबू के पास तो ये कारण इतना बड़ा बड़ा प्याज काट दिए हैं इसमें। अच्छे से इसे चलाते हुए भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चा पन दूर हो जाए। भूनने के लिए थोड़ा सा अब हम इसमें थोड़ा और पानी डालकर इसको अच्छे से धुलकर साफ कर देते हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। ये देखिए हींग डालना भूल गई थी तो अब डाल देती हूँ। मसालों में हम थोड़ा सा डालते हैं धनिया पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा हम डालते हैं गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे हम डालते हैं हल्दी पाउडर। सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। घी में और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो ये देखिए इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। हल्का से इसे पकने देते हैं, मसालों को हल्का सा भून लेते हैं चलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मसाला अच्छे से हमारा भुना गया है। अब ये चावल हम डाल देते हैं इसमें। चावल को पकने भर का इसमें पानी हम जो है कि डाल दिए हैं। अब हम इसको चला देते हैं अच्छे से। तो देखिए इतना पानी इसमें डाले हुए हैं और देखिए चावल हमारा इसमें पक जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चावल हमारा जो है कि खिल गया है और मैं चली गई थी पार्लर में, इसमें पानी भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब चलिए इसमें हम फ्राई किया हुआ सब सब्जी डाल देते हैं और ये टमाटर भी नहीं डाले थे साथ में, इसे भी डाल देते हैं। और ये सब फ्राई किया हुआ सब्जी डाल देते हैं ऊपर से। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। और ये बिरयानी मसाला भी डाल देते हैं। अब हम सभी को बढ़िया से मिला देते हैं। बढ़िया से इसको चला देते हैं ताकि नमक और सब्जी जो मसाला है सब बढ़िया से इसमें मिल जाए। अब हम इसको ढक देते हैं ताकि थोड़ा सा खिल जाए सब्जी के साथ। 5 मिनट के करीब हो गए हैं। चलिए थाली को हटाकर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक रहा है और इसको हम हल्का सा चला देते हैं। ये देखिए एकदम खिला खिला चावल है। अब हम इसमें डाल देते हैं नींबू का रस और ऊपर से ये पुदीना का पत्ता डाल देते हैं और हरा धनिया डाल देते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारते हैं। तो
ये देखिए सभी सब्जियां एकदम खड़ा खड़ा दिख रही हैं। मजा आ गया दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अगर कभी भी सब्जी बनाने का नम मन करे तो कुछ सब्जियां अगर आपके घर रहे तो इस तरह से आप वेज बिरयानी सिंपल तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा तरीका है वेज बिरयानी बनाने का, लेकिन ये सिंपल तरीका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पिंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।